सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोगों ने इसका जो पिछला सीरीज था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चंस को करवा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके संस्कृत विषय का आप अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ अभी जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, वचन का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, वचन का अर्थ, वचन का मतलब क्या होता है, तो इसका हमको अर्थ बताना है यहाँ पर। तो देखिए, संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, लड़का, लड़की, ये सब क्या है, एक वचन है। और अगर यही पर गाय हो गया, लड़के हो गया, लड़कियां हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर है प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर, कि संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा में पुरुष भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, संस्कृत में आपको वचन 3 मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको लिंग भी 3 पढ़ने हैं, स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग। और यहाँ पर पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका वचन, इसके अलावा लिंग, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा, इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोग एग्जाम में सही करके आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, नीति वचन सुभाषितानि सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हिंदी में दिए हुए हैं कुछ सूक्तियां हैं और कुछ नीति वचन है, इनको आपको क्या करना है, संस्कृत में इसका अनुवाद करना। तो देखिए, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट यहाँ पर देखिए संस्कृत का अनुवाद होगा, वो क्या होगा, सत्यमेव जयति नानृतम, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर बात, देखिए, सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ईजी है इसका, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, देखिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसके बाद है, आचरण श्रेष्ठ धर्म है, तो ये भी बहुत ईजी है, आचारो परम धर्म, आचार परमो धर्मा, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको संस्कृत में अनुवाद ही करना। तो चलिए देखते हैं, नदी कोस भर तक टेढ़ी है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए, क्रोसम कुटिला नदी। इसके बाद बा है, लोभ मोह मनुष्य के शत्रु है, तो लोभ मोहा च मानवस्य शत्रु अस्त। इसके बाद दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 की बात करें हम लोग अगर, तो लिंग को परिभाषित करिए। दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप में स्त्री अथवा पुरुष वाचक होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। इसके बाद है दोस्तों, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी स्त्री मादा जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों जो अण प्रत्याहार होता है, उसके अंतर्गत अ, ई, उ, यानी कि छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर म वर्ण लिखा, तो यहाँ पर म ना रहकर क्या रहेगा, अ, ई और उ वर्ण आते हैं, यानी कि 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, अ, ई और उ। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे शब्द जो न नर का और ना ही मादा का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम नपुंसक लिंग कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, राजन सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत मिसप्रिंटिंग हो गई दोस्तों, या फिर गलत है। तो अगर आप यहाँ पर एक बार हमारे चैनल से पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही करके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में पता चल सके और अधिक से अधिक लोग वीडियो को देख सके, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज अपने जितने भी कॉलेज के ग्रुप है, जो भी आपने बनाया हुआ है,
या जिससे भी आप जुड़े हुए हैं जिन भी ग्रुप में, वहां पर जरूर अपने दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। भोजन संबंधी वस्तुएं चना मक्खन नमक एवं रोटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो देखिए बारी बारी से इन सभी वस्तुओं का संस्कृत का नाम कैसे है। चना को हम कहेंगे चड़क, मक्खन को कहेंगे हम नवनीतम, नमक को लवण कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं, और रोटी को क्या कहते हैं करकट्टिका। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए पशु पक्षी पपीहा भेड़ बगुला भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखी। दोस्तों यहाँ पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पशु और पक्षियों के नाम और रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का संस्कृत में नाम पूछता है, तो इन सबका नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से देखिए पपीहा भेड़ बगुला भेड़िया के संस्कृत में नाम कैसे है। सबसे पहले पपीहा है, तो पपीहा को कहते हैं चातकह। भेड़ को कहते हैं, भेड़ को दोस्तों कहते हैं मेषह। बगुला को कहते हैं बलाकह और भेड़िया को कहते हैं वृका। प्रश्न नंबर 13 है किन्हीं तीन साग भाजी का नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं तीन सब्जियों का, साग सब्जियों का नाम आपको लिखना। तो देखिए पहले हिंदी में देखिए लौकी कटहल और करेला। अब लौकी कटहल और करेला क्या है, ये सब साग सब्जियां हैं। तो देखिए लौकी को संस्कृत में क्या कहते हैं अलावू, क्या कहते हैं दोस्तों अलावू कहते हैं। कटहल को कहते हैं पनस, बहुत ही ईजी है, और करेला को कहते हैं कारवेलम। ठीक है, कारवेलम। इसके बाद दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। शरीर के विशिष्ट पांच अंगों के नाम संस्कृत में लिखना है, आपको अपने शरीर के किन्हीं पांच अंगों के नाम किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले नाखून, नाखून को संस्कृत में कहते हैं नखा, नाखून को नखा, बहुत ईजी है दोस्तों। दांत को दशनव या दंत भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर दशनव नहीं बल्कि दंत होगा। फिर यहाँ पर आंख, आंख को लोचनम कहते हैं, सिर को मुंडम कहते हैं और गर्दन को ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा, दांत को दंत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 15, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा दोस्तों किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये आप सभी लोगों को याद होगा। इसके बाद है दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 16, यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है आपको। तो यहाँ पर जो निम्नलिखित संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं इनको आपको किस में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो सा निसर्गेण चंचला, वह स्वभाव से क्या है, चंचल है। सह पादेन खंजर, वह पैर से लंगड़ा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है आसपास की वस्तुएं पेड़ घर बागीचा तथा पौधों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो दोस्तों देखिए पेड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में, वृक्ष, घर को गृहम, बागीचा को उद्यान और पौधे को क्या कहते हैं पादप, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों निम्नलिखित फल एवं सब्जियों का नाम संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों देखिए जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं, जामुन को हम कहते हैं जम्बू, आम को आम्र, बहुत ईजी है। कद्दू को क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों मधुर कुष्मांडम, ठीक है कद्दू को। करेला को क्या कहते हैं, कारवेलम, यह भी आपने देखा। और देखिए 2018 में पूछा भी गया है दोस्तों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फलों के नाम फूलों के नाम, इसके अलावा आपके साग सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम और आपके शरीर के अंगों के नाम, इतने अंग इतने चीजों की जानकारी आपको संस्कृत में होनी चाहिए कि इनको संस्कृत में हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 19 है पशु पक्षियों कौवा भौरा पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौवा को क्या कहते हैं, कौवा को कहते हैं संस्कृत में काक, भौरा को भ्रमर, पक्षी को खग और कोयल को क्या कहते हैं पिका। पिका बहुत पूछता है कोयल संस्कृत, ये पिका किसका नाम है, कोयल का नाम है संस्कृत में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने अपने चैनल पर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी को पढ़ाया हुआ है। दोस्तों अपने चैनल पर हम अपने हर एक सब्जेक्ट का अलग प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, ताकि आपको कहीं से भी ढूंढना ना पड़े। जब आप एक सब्जेक्ट दोस्तों आपको कहीं भी कुछ भी यहाँ पर कहीं जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने इतने अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया। आप अगर एक सब्जेक्ट पर जाएंगे वहां पर आप उसके सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, फिर अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी सभी क्वेश्चंस आपको इजी वे में मिल जाएंगे एक ही प्लेलिस्ट में। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी मित्रों को इसको जरूर शेयर कर दीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है
आसपास की वस्तुएं फूल चौराहा अनार नींबू गेंद को संस्कृत में लिखिए, तो आसपास की वस्तुएं हैं इनका अनुवाद संस्कृत में करना। तो देखिए फूल को कहते हैं पुष्पम, चौराहा को चतुष्पथ, अनार को दाड़िम, नींबू को निम्बुकम और गेंद को क्या कहते हैं कंदुका। तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दोस्तों जो वाच शब्द है ये संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, संज्ञा एवं सर्वनाम से में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो संज्ञा और सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर, दोस्तों देखिए संज्ञा क्या होता है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मथुरा गए, तो यहाँ पर जो हम है ये क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, पितृ सखी इदम कु ककुभ अप अदस्य शब्दों में संज्ञा एवं सर्वनाम अलग अलग करिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पिता और सखी ये दोनों क्या है, सर्वनाम संज्ञा है दोस्तों देखिए, क्योंकि ये क्या है किसी का नाम है, और सर्वनाम क्या होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, इदम ककुभ अप और अदस्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 पर पहुंचते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित नीति परक हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। तो आ है सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए, कर्तव्यम ही संताम वचा, व विद्या धर्म से ही शोभा देती है, तो विद्या धर्मेण शोभते। प्रश्न नंबर 25 है, हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों हम सब पाठ पढ़ेंगे का संस्कृत में अनुवाद होगा वयम पाठम पठिष्यामः। यहाँ पर दोस्तों देखिए वयम पाठा पठिष्यामः। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है, संज्ञा के भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, संस्कृत में तीन भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गलती से पांच लिखा हुआ है, इसको आपको सही करना है। अगर आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद लिखना है, हमको तीन भेद लिखना है, ठीक है दोस्तों। और वो तीन भेद कौन कौन से हैं आप सभी लोग जानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है दोस्तों। अगर हिंदी में पूछेगा तब पांच रहेगा, लेकिन अगर संस्कृत के पेपर में पूछ रहा है तो कितना रहेगा, तीन ही रहेगा। यही सब क्वेश्चन दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आप सभी लोग को एक बार चैनल से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में दोस्तों गलतियां होती हैं और आप लोग वही क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 27, संस्कृत में चार पशुओं के नाम लिखिए। तो देखिए संस्कृत में चार पशुओं के नाम, अजा अजा मीन्स बकरी, कुकरह कुकरह को क्या बोलते हैं, कुत्ता, गौ गाय, सिंह शेर, अश्व घोड़ा। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं छह शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो किन्हीं छह शब्दों का यहाँ पर संस्कृत में नाम लिखने को बोला है, यहाँ पर देखिए घोड़ा कुत्ता हिरन बकरी कोयल चिड़िया पेड़ तरबूज लड्डू अनार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक लाइन से हम लोग, घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं, बहुत ही इजी है। कुत्ता को कुकरह, हिरन को मृग, बकरी को अजा, कोयल को कोकिला या पिका, चिड़िया को चटका, पेड़ को वृक्षा, तरबूज को कालिंदम, लड्डू को मोदका और अनार को दाड़िम। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए 2016 में पूछा हुआ है, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि नाम बहुत पूछता है, तो इसलिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नाम जरूर याद रखिएगा सभी जानवरों का, पशु पक्षियों, इसके अलावा आपके जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद है दोस्तों मकरा सरिका मरालह शशकह शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो देखिए मकरा को का मतलब होता है क्या, घड़ियाल, यहाँ पर दोस्तों मकरा होगा, ठीक है मकरा नहीं, यहाँ पर देखिए आ की मात्रा नहीं रहेगी। फिर सारिका, सारिका मतलब मैना होता है, मैना को क्या कहते हैं संस्कृत में, सारिका। इसके बाद दोस्तों मरालह, मरालह का मतलब हंस। इसके बाद है ससका, ससका मीन्स खरगोश होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए, हिमालय सागर राजन गंगा नदी वधु फलम पुस्तकम सौंदर्यम। अब इस सब में हमको अलग अलग छांटना, तो देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं, नपुंसक लिंग कौन कौन से। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले पुल्लिंग शब्द में है हिमालय, फिर सागर और फिर राजन राजा। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में गंगा नदी और वधु। अब नपुंसक लिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पुस्तक सौंदर्यम और फलम, ये सब क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है, तो संप्रदान कारक का प्रयोग जो होता है तो
वो होता है चतुर्थी विभक्ति के लिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है, ध्रुवम पाए अपादानम से संस्कृत विभक्ति का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक का सूत्र है ये। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, राम हरि गुरु सर्व तद युष्मद अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग करके लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द में कौन है, राम है, हरि है और गुरु है, और बाकी यहाँ पर ये जो दिया है सर्व तद युष्मद अस्मद ये सब क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 दोस्तों देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। इन इनमें से सिर्फ चार शब्दों के आपको किसमें लिखना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। तो देखिए समाचार पत्रम, अश्रु न्यायालय, श्व पितृव्य पितामह द्वारम। तो देखिए समाचार पत्रम को क्या कहते हैं, अखबार कहते हैं, अश्रु को आंसू कहते हैं, न्यायालय को क्या कहते हैं, अदालत कहते हैं, श्व श्व मतलब आने वाला कल, पितृव्य मतलब चाचा, पितामह मतलब बाबा और द्वारम मतलब दरवाजा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 35 है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो दोस्तों राम है रामो रामा यही होता है प्रथमा विभक्ति में। अब प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न दिया है, श्रीमद् भागवत गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो इसका हिंदी अनुवाद दोस्तों होता है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में अवतरित होता हूँ। ये किसने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जिस समय महाभारत का युद्ध होता, किससे कहा है, अर्जुन से कहा है कि जब भी दुनिया में धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब क्या करूंगा, मैं अपने आप को प्रकट करता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिख करिए। अब इस हिंदी को हमको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए क्या है, पहले हिंदी, इसको यानी कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसे अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु उसको सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो देखिए दोस्तों इसका जो संस्कृत में अनुवाद होगा वो क्या होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदे त्यापो न शोषयतु मारुतः, न चैनम क्लेदयन त्यापो न शोषयतु मारुतः। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई तीन उपकरणों के नाम लिखिए। दोस्तों संस्कृत जब आप पढ़ाते हैं तो आप किस किस चीज का यूज करते हैं कक्षा में, यही बताना। तो देखिए मॉडल एवं प्रतिरूप का यूज करते हैं, आप मॉडल यूज करेंगे या प्रतिरूप, चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, श्यामपट्ट का तो आपको यूज करना ही है क्योंकि आपको वही सारी चीजें बच्चों को समझानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 39 है, नकुल कीर अर्वन अर्वनलूता असंधिका शब्दों में किन्हीं तीन शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए अर्वन मतलब होता है दोस्तों घोड़ा, लूता मतलब मकड़ी या चींटी, नकुल है मतलब नेवला और कीर है मतलब तोता। इसके बाद है पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ। दोस्तों जो पितरी शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग इसमें हुआ है। अब हम प्रश्न नंबर 41 देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 41 है, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्ति में तीनों रूप वचनों के रूप लिखिए। तो देखिए गुरुड़ा गुरुभ्याम गुरु भी, गुरोह गुरुभ्याम गुरुभ्य। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में जो रूप होता है वो होता है एतानि। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 43 है, चाहिए के योग में किस प्रकार का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जो चाहिए का योग होता है उसमें विधलिंग लकार का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, विधलिंग। अब प्रश्न नंबर 44 है, भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्य काल को दर्शाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है लिट लकार। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों एवं पुरुषों में लिखिए। तो दोस्तों देखिए भू धातु लिट लकार बहुत ही इजी होता है दोस्तों, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावे भविष्यामः। 46 है,
हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो देखिए दोस्तों, हरि शब्द का जो द्वितीया विभक्ति होती है वो होता है हरिम हरि हरीन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 है, विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो दोस्तों जो विदुषा शब्द है ये तृतीया विभक्ति और एक वचन में है। ये देखिए 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, युष्मद शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो दोस्तों देखिए, युष्मद शब्द का जो द्वितीया विभक्ति और बहुवचन रूप होता है वो होता है युष्मान। अब हम प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। दोस्तों वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है वृक्षात। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखिए वृक्षात। अब प्रश्न नंबर 50 है, नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों के रूप लिखिए। दोस्तों पंचमी विभक्ति में होता है नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य। इसके बाद है प्रश्न नंबर 51, विभूषणम मौन पंडितानाम वाक्य का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, विद्वानों की शोभा मौन रहना होती है। प्रश्न नंबर 52 है, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में लकार कितने होते हैं? पांच होते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। दोस्तों देखिए 53 जो है यहाँ पर, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट करिए। दोस्तों देखिए, अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार आपको अपने खुद के साथ नहीं अच्छा लगता है उसको दूसरों के साथ आपको नहीं करना चाहिए, यही इस सूक्ति का आशय है। 16 में पूछा हुआ है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 54 की तरफ। 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। दोस्तों 15 पंचदशम यहाँ पर म होगा, या पंचदश केवल आप लिख सकते हैं। 18 को अष्टदशम, अष्टादशम या अष्टादश भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 20, तो 20 को विंशति लिखते हैं। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर ना नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर आप म कर सकते हैं, या तो इस ना को हटा ही दीजिए, यहाँ पर आप विसर्ग लगा दीजिए। पंचदशा, अष्टादशा और विंशति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 55, क्रीड धातु का लिट रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक वचन, द्वि वचन और बहुवचन देखिए, किस प्रथम पुरुष में लिखना। तो देखिए, अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। तो देखिए दोस्तों, गम धातु का जो लट लकार होता है, इसका दोस्तों मैं पूरा पढ़ देती हूँ। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये हो गया प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की बात हो रही है, तो मध्यम पुरुष में दोस्तों होगा गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। फिर उत्तम पुरुष में होगा गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो यहाँ पर हमको केवल मध्यम पुरुष देखना चाहिए था, देखना था खाली दोस्तों। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन आता है और उत्तम पुरुष में कौन आता है। दोस्तों जो आपकी संस्कृत है वो सबसे पहले सबके बारे में सोचना सिखाती है। ठीक है, तो सबके बारे में सोचने से क्या तात्पर्य है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। प्रथम पुरुष सबसे पहले क्या सिखाती है हमको संस्कृत, वह, सबके बारे में ख्याल रखना। वह के बाद फिर मध्यम पुरुष, तुम के पास आती है, ठीक है, अपने आसपास, अपने करीब। और जब उत्तम पुरुष आता है तब व्यक्ति अपनी बात करता है, मैं की बात होती है, यानी कि खुद की बात होती है। ठीक है, जो संस्कृत है आपकी वो देव भाषा है और हमेशा दूसरों की हेल्प करना सबसे पहले सिखाती है संस्कृत। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में वह सब लोग आएंगे, मध्यम पुरुष में मैं, तुम आएंगे दोस्तों, और जब उत्तम पुरुष आएगा तो उसमें मैं, तब आपको अपने आप को रखना है। तो यहाँ पर ये हो गई दोस्तों बात। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ, पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुषों के तीनों वचनों के रूप लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, लट लकार और लंग लकार दोनों अलग अलग है, तो पहले लट लकार देखते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले अगर आपको पठ धातु और गम धातु, सिर्फ पठ ही अगर याद है तो आप इसी से सारे वचनों को, अलग अलग सारे लकारों को आप कर सकते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब लंग लकार देखेंगे दोस्तों, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लट लकार और लंग लकार हो गया। अब प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, देखिए, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष
तीनों वचनों के रूप लिखना है, तो देखिए भू धातु में अभाव, अभावतम, अभावत। प्रश्न नंबर 60 है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच सूक्ति, नीतिपरक वाक्य का अर्थ पंक्ति में दीजिए। दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ होगा हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ हैं। ये प्रश्न नंबर 60 है और ये देखिए 15 और 18 दोनों में पूछा हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर 62 है, न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? जो वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 63 है, राज पुरुष का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो दोस्तों राज पुरुष का जब हम समास विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुरुष होगा, और इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 है, अनियर प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो अनियर प्रत्यय लगाएंगे दोस्तों तो इसमें देखिए श्रवणीय और क्रीडनीय। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 65 की तरफ, सेवक स्वीकार्यम अकरोत, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद होगा दोस्तों सेवक ने अपना कार्य किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 66 है, 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। दोस्तों देखिए 15 को हम पंचदश लिख सकते हैं या पंचदशम लिख सकते हैं, और 19 को हम एकोन विंशति, अथवा इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको हम नव विंशति लिख सकते हैं, यहाँ पर उन विंशति नहीं दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 67 है, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो 19 संख्या को एकोन विंशति या नव विंशति, नव दशम लिखा जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा, 19 को देखिए क्या कहते हैं हम, नव दशा या फिर एकोन विंशति, ठीक है दोस्तों, और 15 को पंचदशम हो गया है। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी क्या कहते हैं हम, एकोन विंशति और नव दशा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ पशु और पक्षी दिए हुए हैं जिनका नाम आपको संस्कृत में लेना है। तो देखिए गधा, तोता, मछली, बकरी। तो गधा को कहते हैं गर्दभ, तोता को कहते हैं शुका, मछली को कहते हैं मीन और बकरी को कहते हैं अजा। अब हम प्रश्न नंबर 69 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 69 है, मुनि भी शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन में है। तो मुनि भी शब्द जो है आपका किस विभक्ति और वचन में है, यही पूछा। तो किस तृतीय विभक्ति और बहुवचन में ये प्रयोग होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 70 है, यहाँ पर युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो युष्मभ्यम शब्द जो है ये चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन में है। अब प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो नाम लिखिए दोस्तों, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब प्रश्न नंबर 72 है, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? तो लट लकार का प्रयोग दोस्तों वर्तमान काल के लिए होता है। प्रश्न नंबर 73, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो गम धातु का प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप होता है दोस्तों वो होता है अगच्छन। इसके बाद प्रश्न नंबर 74 है, बालकह शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो बालकह शब्द में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है और बहुवचन रूप है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ में आया, बालकह में क्या क्या होगा? तृतीय विभक्ति और बहुवचन होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 75 की तरफ, नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ होता है घृत, मतलब घी। अब प्रश्न नंबर 76 है, अस्था धातु लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो अस्था धातु जो दोस्तों लंग लकार का प्रथम पुरुष का तीनों वचनों का रूप होता है, वो देखिए कैसे होता है, अस्थात, अस्थातम, अस्थान। अब दोस्तों यहाँ पर मैं 77 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने से पहले फिर आप लोगों को याद दिला दूं, दोस्तों हम लोगों ने आपके फर्स्ट सेमेस्टर के इंटर्नशिप की जो फाइल बनती है उसका दोस्तों हम लोगों ने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग को इंटर्नशिप में क्या क्या किस तरीके से फाइल बनाना होता है, क्या क्या लिखना होता है, और जो लेसन प्लान वाली आपकी फाइल बनती है उसमें क्या क्या कैसे लिखना है, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों
उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों की टीचिंग लगी होगी। तो अगर आप लोग उसको दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे फाइल बनानी है तो हमारे चैनल से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि हर सब्जेक्ट का हम लोगों ने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पर। तो दोस्तों जहां तक हो सके अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताइए, और ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी सुझाव है, जो भी सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस पर भी वर्क करेंगे। अब दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 77, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो संस्कृत होता है उसमें लकार जो होते हैं वो होते हैं 5, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार। दोस्तों ये हो गया पूरा आपका संस्कृत यहाँ पर कंप्लीट, बहुविकल्पी क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इसके बाद हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी देखेंगे और दोस्तों आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। दोस्तों इस तरह हमारे चैनल से बने रहिए, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।